हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता और स्वागत है आपका हमारी क्लास नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं एनवीएस सीजीटी सोशल स्टडीज की और निश्चिंत रहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके एग्जाम में भी टाइम है। ठीक है, और जैसी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन फ्री रहिए। तो आपका जो टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। अगर आपको सिलेबस ठीक से अभी तक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस पार्ट्स हैं 7, 6, 5 ये सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक जो कि है 1857 का विद्रोह या फिर क्रांति। तो 1857 का विद्रोह सिर्फ एक विद्रोह मात्र नहीं था, ये एक तरीके से बगावत थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, क्योंकि काफी टाइम से काफी सारी पॉलिसीज, काफी ऐसे कानून, काफी पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से भारत में इंटरफेयर किया जा रहा था। तो उस इंटरफेरेंस का ये फाइनल रिजल्ट निकला कि लोग इतने ज्यादा भर गए थे उन सब इस उनके जख्मों को सहते सहते, या फिर कह सकते हैं कि उनसे इतने थक चुके थे कि फाइनली लोग बगावत पर उतर आए। तो छोटी मोटी घटना ऐसी नहीं हुई होगी जिनसे लोगों को अपनी जान की चिंता करे बिना आगे आना पड़ा, कुछ ऐसा बड़ा ही हुआ होगा। तो उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, रीजंस देखेंगे, इसके परिणाम देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट नोट्स भी, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम चीजें देखेंगे। तो क्योंकि ये बगावत है, इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो क्या है, प्रथम सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं। और इसने एक तरीके से डरा दिया किसको, अंग्रेजी शासन को। अगर प्रथम सैनिक विद्रोह की बात करें तो एक तरीके से ये बड़ा विद्रोह था, इससे पहले भी विद्रोह एक हो चुका था 1806 में, ये हुआ था तमिलनाडु में, तमिलनाडु के वेल्लोर में। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अब वहां पर सबसे पहला सैनिक विद्रोह कौन सा माना जाएगा, 1806। ठीक है, लेकिन ये वाला 1857 वाला जो विद्रोह था ये काफी बड़े लेवल का था, तो आपको ये चीज याद रखना है 1806 का जो विद्रोह है वो पहला सैनिक विद्रोह था। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। तो मंगल पांडे के नेतृत्व में, आपने सुना ही होगा कि बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने मना कर दिया था कि जो कारतूस है जिनके ऊपर कह सकते हैं कि गाय की और सुअर की चर्बी लगे हुए वो कारतूस थे और उनका यूज करने के लिए मंगल पांडे ने मना कर दिया था। तो इस ये एक घटना है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे रीजंस में। तो इसके बाद क्या हुआ था, क्रांति की उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी अपने एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो फांसी के बाद फिर ये जो बात है ये और जगह फैलने लगी और 10 मई 1857 को मेनली क्रांति का डे माना जाता है कि इस दिन क्रांति हुई। जब मेरठ के सिपाहियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरीके से बैरकपुर में जो घटना हुई थी मंगल पांडे की, वो घटना दूर दूर तक फैल गई और मेरठ से फिर इस चीज की एक बड़े लेवल पे शुरुआत हुई। ये दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, इसके अलावा अवध और देश के अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंची और इसने एक बहुत ही विकराल रूप ले लिया। क्रांति एक तरीके से क्रांति का रूप ये इसने ले लिया। तो ये जो क्रांति है, ये जो विद्रोह है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, याद रखने वाली बात। ये सैनिक एक ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाकर रख दी और सोचने पर मजबूर कर दिया एक तरीके से इंग्लिश गवर्नमेंट को कि ये चीज हुई कैसे, मतलब हम तो इतना स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी ऐसी गलती हमसे कहाँ हुई कि लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हम पे हमला कर रहे हैं, हमारे हथियार लूट रहे हैं और हमारे घरों में आकर घुस रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन बहुत ही हैवी थी और इसके बाद इन्होंने फिर काफी चीजें चेंजेस लेकर आए थे। तो इस विद्रोह के बारे में बात करें तो इसका शुरुआत कब से हुई थी, 10 मई 1857। ठीक है, हमने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में भी देखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें या फिर अगर इसके हम चिन्ह की बात करें तो वो क्या थी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। उस वक्त अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो ये थे पामर्स्टर्न। ठीक है, पामर्स्टर्न थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रेटजी किसने बनाई थी या फिर कहें कि इसकी शुरुआत जो स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो किसने बनाई थी, लंदन में बनाई थी, ये बनाई थी रणोजी बापू
और अजीमुल्ला खान। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है ये है 1856 से 1862। तो आप देख ही सकते हैं 1857 का विद्रोह इसी टाइम में तो हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अक्सर एग्जाम में। और ब्रिटिश क्राउन किसके अंडर में था? ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, अगर हम एक कैरेक्टर और देखते हैं, आर्मी चीफ कौन थे? आर्मी चीफ थे बख्त खान। ठीक है, इस विद्रोह के। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें, जैसे कि आपको पता है ये जो विद्रोह था इसके पीछे काफी सारे क्षेत्र थे, काफी सारे स्टेट्स भी इनमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से लोग सामने आए। तो एग्जाम में बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये बुक है हमारी बुक नंबर 1, 1857। ये लिखी थी एस एन सेन ने और बुक थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड बुक की अगर हम बात करें तो ये थी द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। ये लिखी थी आर सी मजूमदार। नेक्स्ट है द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, यानी महान विद्रोह, ये हुआ, ये बुक लिखी है अशोक मेहता ने। इसके अलावा नेक्स्ट बुक की बात करें तो द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये लिखी सर सैयद अहमद खान ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ कथनों की बात करें तो यहाँ पे एक दो कथन देख लेते हैं। इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया। ठीक है, ये तो ये किसने बोला था? अशोक मेहता ने। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने लिखा था? रीज। ठीक है, एक और देख लेते हैं कथन, इंपॉर्टेंट है, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष। ठीक है, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, तो ऑब्वियसली बात है ये कोई इंडियन तो लिखेगा नहीं, ये लिखी टी आर होम्स ने। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बात करेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में होता है, 1757 को, और इसमें सिराजुद्दौला की हार के साथ जो अंग्रेजी शासन है वो कह सकते हैं कि अब पूरे तरीके से उसने वहां पर कंट्रोल कर लिया था, और एक तरीके से अब पूरे इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए वो रेडी था। तो अंग्रेजों की जो शक्ति है वो निरंकुश होती जा रही थी, और कहीं ना कहीं हर एरिया में वो इंटरफेयर करते थे, जिसकी वजह से हर एक इंसान के अंदर आक्रोश था, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा था। इन सबकी जो चीजें थी ये सिर्फ एक कोई एक एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, काफी सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। लॉर्ड वेलेसली हो या फिर लॉर्ड डलहौजी, इनकी जो नीतियां थी वो काफी खराब थी, जिनकी वजह से लोगों को और गुस्सा आ गया। डलहौजी ने अवध, नागपुर, झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, सूरत, तंजौर की आम जनता को भी नाराज किया था। इसके अलावा कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह था इसमें सभी जातियों ने और सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। संथाल हो, भील, खासी, जाट या फिर फिराजी, सभी ने इनके खिलाफ जंग की। भारतीय शासकों की अगर बात करें तो काफी सारी नीतियां बनी जिनमें पुत्र गोद लेना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर भी क्या लगा दिया, अंकुश लगा दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब भी डलहौजी के इस नीति के विरोध में थे, और क्लाइव के अच्छे शासन के लिए लाई गई दोहरी नीति ने भारत में क्या कर दिया, भारत में अकाल पड़ गया। जब मतलब काफी सारी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से सिचुएशन और खराब हो गई। जब बहादुर शाह द्वितीय ने मुगल शासन की गद्दी छीन ली गई, जब बहादुर शाह से यानी मुगल से जब उनकी गद्दी छीन ली गई, तब मुस्लिम वर्ग जो है वो और ज्यादा गुस्से में आ गए, और ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो भी लोग एकजुट हो गए। अब
अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि विद्रोह के कारण क्या थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका चैप्टर इजीली आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है। तो विद्रोह के कारण में राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि जो थी, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था 1857 की क्रांति को भड़काने में। वैसे तो काफी सारे रीजन थे, लेकिन शुरुआत से कुछ सालों से चीजें चलती आ रही थी, ठीक है। तो लॉर्ड विलेजली की सहायक नीति, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, सहायक का मतलब होता है हेल्प करना, यानी साथ देना, सहायक संधि या फिर सहायक नीति कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल था ये, कहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलेजली। और जो अगर टाइम की बात करें तो 1798 से लेकर 1805 इसका टाइम पीरियड है रहेगा ये। तो बंगाल के ये क्या थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने सहायक संधि या सहायक नीति जारी करी, जिसका ये था कि जो कमजोर होते हुए शासक थे ना, कमजोर होते हुए जो राज्य थे, उनको अपने कंट्रोल में लेने की सबसे बढ़िया पॉलिसी इन्होंने निकाली है। क्योंकि अंग्रेजों का मकसद क्या था, अंग्रेजों का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा भारत के क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल करना। एक बार कंट्रोल हो जाए फिर तो हम यहाँ से रिसोर्सेज हुए, कुछ भी चीज हुई बहुत इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। तो वो चाहते थे पूरे तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर किसी भी तरीके से हमें कंट्रोल करना है। तो इसने लॉर्ड विलेजली ने एक नीति निकाली कमजोर राज्यों को अपने कंट्रोल में लेने की, और कहा कि हमसे सहायक संधि कर लो। तुम क्या करोगे इसमें, तुम हमें टैक्स दोगे, या फिर कह सकते हैं तुम हमें राजस्व का भुगतान करोगे, कुछ अमाउंट दोगे, और हम बदले में तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें हम अपनी आर्मी देंगे, या फिर कह सकते हैं तुम्हें यहाँ से हम सैनिक या फिर सेना भेजेंगे जो तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा, और उस पर कोई आक्रमण फिर नहीं कर पाएगा। आपकी मतलब तुम्हारी जो स्टेट है, तुम्हारे जो प्लेस है जहाँ तुम रह रहे हो, रूल कर रहे हो, उसको हम एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इसके अलावा काफी सारी और शर्तें भी उस पर लागू की, ठीक है। तो सहायक संधि तो करनी थी, लेकिन उसके साथ साथ शर्तें भी लागू की। और इन शर्तों की वजह से क्या होता था, अक्सर जो राजा थे वो अपनी संपत्ति से अपने हाथ धो बैठते थे, मतलब अपने राज्य का नुकसान कर बैठते थे। अगर सिंपल सी बात है, अगर हेल्प करनी है तो हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी भेजी, और वहां से वो क्या भेजेंगे, वो पैसा भेजेंगे। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि वो पे नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसका जो राज्य है उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको अपने कंट्रोल में ले आया जाएगा, ठीक है। ये चीज थी, तो ये तो भी शुरुआत थी इस चीज की कि कैसे लोगों, कैसे राज्यों को कंट्रोल किया जाए। तो लॉर्ड विलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से राज्यों को एक तरीके से मजबूर किया कि मतलब हम ही तो तुम्हें हेल्प दे रहे हैं, और हम ही वो हैं जो तुम्हारी हेल्प भी नहीं करना चाहते, तुम्हें बेबस भी बनाना चाहते हैं और हेल्प भी करना चाहते हैं। तो दोगली नीति थी एक तरीके से, सहायक संधि लोगों पे थोप दी। इसके अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कुछ राज्यों के पास, क्योंकि कमजोर राज्य थे तो वो कुछ नहीं कर पाए। अगर हम बात करें कि किन किन स्टेट्स में ये सब चीज हुई, तो सबसे पहले 1798 में हम बात करेंगे हैदराबाद की। तो हैदराबाद के जो निजाम थे, सबसे पहले उन्होंने ये संधि की इन लोगों के साथ, और ये फंस गए इस चीज में, ठीक है। तो ये निजाम थे, सबसे पहले ये फंसे। इसके बाद जैसे तैसे करके इनके ऊपर और भी रूल जारी कर दिया गया। एक तरीके से ये सब लोग अंग्रेजों के प्रभाव में पूरे तरीके से आ चुके थे। 1799 में मैसूर, उसके बाद 1799 में ही तंजौर, इसके अलावा 1801 में अवध आया कंट्रोल में, मतलब अवध के ऊपर उन्होंने सहायक संधि थोप दी। इसके अलावा जैसे तैसे करके 1802 में मराठास के साथ, यानी पेशवाज के साथ भी ये संधि कर ली गई। 1803 में भोसलों के साथ की, ठीक है, भोसले के साथ की। 1804 में ये संधि की गई किसके साथ, सिंधियाज के साथ, ठीक है, यानी सिंधिया रूलर्स के साथ। भोसले रूलर, सिंधिया रूलर ये सबसे लास्ट में आए थे जिनके साथ संधि हुई थी 1803 और 4 में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले किसके साथ की थी और सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो बात थी विलेजली की, विलेजली ने क्या किया, सहायक संधि के नाम पे उनके साथ इंटरफेयर करना शुरू किया उनकी पॉलिटिक्स में और हर जगह इकोनॉमी में। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का टाइम आया, ये बहुत फेमस पॉलिसी है हड़प की नीति, ठीक है।
तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक तरीके से इस नीति को हड़प की नीति, या फिर कह सकते हैं विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या काम किया, एक सहायक संधि के थ्रू राज्यों कमजोर किया, मजबूर किया, और अब भेजा गया लॉर्ड डलहौजी को कि चलो अब तुम जैसे तैसे करके इन राज्यों को अपने कंट्रोल में लो, और राज्यों को अपने कंट्रोल में लो, कुछ भी करो, कैसे भी तिकड़म लगाओ, बस हमें तो सारे स्टेट्स अपने कंट्रोल में चाहिए। तो जो डलहौजी है, डलहौजी की राज्य अपहरण या फिर गोद निषेध नीति भी इसको कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्रोल हो इंडिया के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा स्टेट हमारे अंडर आ जाए। कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने क्या किया, एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया, यानी एक नीति बनाई, वो नीति थी हड़प की नीति, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये लॉर्ड जो डलहौजी है ये गवर्नर जनरल था इंडिया का उस वक्त। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कब से कब तक का है, 1848 से लेके है 1856, ठीक है, 1848 से लेके 1856। मैंने लॉर्ड डलहौजी का बताया क्या आपको, ये है टाइम पीरियड 17 वेलेस्ली का 1798 से लेके 1805 तक का, ठीक है। ये क्या था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और डलहौजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विस्तारवादी नीति के तहत इन्होंने क्या किया, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। गोद निषेध नीति का डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के अंदर क्या था कि हमारे यहाँ पर गोद लेने की प्रथा इंडिया में आपको पता ही है पहले से चली आ रही है, जिन राजा के पुत्र नहीं होते थे, क्योंकि पितृसत्तात्मक देश है, पितृसत्तात्मक हमारी सोसाइटी है जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, तो राजा का जो पुत्र होगा वो ही अगला राजा बनेगा। तो हिंदू परंपरा के हिसाब से ये सब चीजें एकदम सही हिसाब से चल रही थी। तो इनको क्या करना था, इनको तो विस्तार करना था, तो एक रीजन ढूंढा इन्होंने कि जिन भी राजाओं के पास, कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता, यानी बच्चे को गोद लेने से पहले पूछना पड़ेगा, और ना ही गोद लिया वह बच्चा या पुत्र उसके राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है, यानी अगर किसी राजा को कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद किसी को नहीं ले सकता, वो अमान्य होगा, हम उसको बिल्कुल भी लीगल चीज नहीं मानेंगे, और हम उसको एज ए उत्तराधिकारी नहीं देखेंगे, मतलब ये नहीं कि आपके बाद वो रूल करेगा, उसको हम फिर क्या करेंगे, फिर तुम्हारा जो राज्य है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, उसको हम रख लेंगे, ये वाली चीज है, ठीक है। तो डलहौजी ने इस नीति को कठोरता के साथ पालन किया इसका, और सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर और झांसी जैसे क्षेत्रों के ऊपर साम्राज्य अपना स्थापित किया। देखिए उस टाइम पे क्या बात थी, हड़प की जो नीति है इसमें एक चीज देखते हैं, यहाँ पर 1848 में क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो महाराजा दिलीप सिंह, इनको कहाँ भेज दिया गया था, इनको बाहर भेज दिया, पंजाब के थे महाराजा, इनको बाहर भेज दिया गया था, लंदन भेज दिया गया था 1849 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, काफी सारी चीजें बदली, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला वो कौन सा स्टेट था जिसके थ्रू हड़प की नीति लागू की गई, तो वो था सतारा, ठीक है, सतारा ही वो पहला स्टेट था, या पहली वो जगह थी जहां पर उन्होंने हड़प की नीति अपनाकर उसको अपने कंट्रोल में लिया। तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने सतारा राज्य को ही अपनी नीति का शिकार बनाया, और सतारा के राजा के कोई पुत्र ही नहीं था, तो उसने क्या किया, एक बालक को गोद ले लिया। तो 1848 में सतारा के राजा की जब मृत्यु हो गई तो फिर क्वेश्चंस उठने लगे, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए बच्चे को क्या उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्या बोला इस चीज को कि अंग्रेजी ये जो शासन है अब हम इसको अपने अंडर में कर लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे, सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में उन्होंने फिर मिला लिया। नेक्स्ट था नागपुर का जो राजा है राघोजी, वो निसंतान ही मर गए, और उनकी पत्नी यशवंत राव नामक उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया जिसका नाम क्या रखा गया, यशवंत राव, ठीक है। किंतु लॉर्ड डलहौजी को यह भी चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि गोद लेने की अनुमति उन्होंने नहीं ली है, पहले उनसे नहीं पूछा, और हम इस पर कोई भी अधिकार इस बच्चे को नहीं दे सकते राज्य का, और नागपुर को भी उन्होंने इसी तरीके से अपने ही कंट्रोल में ले लिया। थर्ड हम बात करें संबलपुर की, तो संबलपुर के राजा कौन थे, नारायण सिंह, उनको कोई पुत्र नहीं था, और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने हमारे ही जो नियम कानून थे उनसे ही उनको तोड़ मरोड़ करके उसका ही फायदा उठाया।
कोई दत्तक पुत्र नहीं अपना सके। तो 1849 में डलहौजी ने इस राज्य को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। फोर्थ आया झांसी। झांसी का राजा 1853 में निसंतान ही मर गया। वहां की रानी ने एक बालक को गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने उसको उत्तराधिकारी मानने से क्या कर दिया, एकदम मना कर दिया। तो 1854 में झांसी को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में उसने मिला लिया। इन राज्यों के अतिरिक्त जैतपुर, बघाट, उदयपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि सबसे एंड में कौन से राज्य को मिलाया गया, तो ये है आपका अवध। सबसे लास्ट जो था वो था इस नीति के तहत अवध। ठीक है, अवध में क्या हुआ था, अवध के जो राजा थे वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। ये अगर हम बात करें तो प्रीवियस जो था हमारा वेलेसली वाली नीति, सहायक संधि वाली, उसमें हुआ था कि वाजिद अली शाह की बात करें तो ये अपने शासन में काफी ठीक थे और इनकी जो जनता है वो भी काफी सेटिस्फाई थी इनके रूल के साथ। लेकिन उन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि इनका कुप्रशासन, यानी इनका जो शासन है वो ठीक नहीं है, ये ठीक से प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने इसको वहां से हटा दिया, बाहर भेज दिया और क्या कहते हैं उसको अपने कंट्रोल में कर लिया अवध को। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट था वो, तो ये था आपका अवध। नेक्स्ट हम देखें अगर कुछ प्रशासनिक कारण में, तो मुगलों की सत्ता में कमजोरी, यानी मुगल्स जो थे वो एक लेवल था मुगल्स का शुरू से ही। ठीक है, तो जैसे जैसे ये यूरोपियंस या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज जो है ये स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो मुगलों की पावर क्या होने लगी, डाउन होने लगी। ठीक है, तो 1842 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो मुगल्स थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, और ये किसने किया, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा ये अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिए गए। ये उस वक्त का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल था, तो इसके पास काफी ज्यादा पावर थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह को लाल किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये भी बहुत ही बड़ी, उस वक्त में अगर हम बात करें तो मतलब ये होता है ना कि अंग्रेजों से बेटर तो यही है, ये वाला रूलर ही है ये, तो लोग इस वक्त इसी असमंजस में पड़े हुए थे, डिलीमा में थे लोग कि कौन किसको राजा माना जाए, क्या चल रहा है, हमारे जो अपने राजा है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए जब बहादुर शाह को लाल किला छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, उसके ही घर से उसको निकाल दिया गया। और ये बात कब की, 1848 से लेकर 1856 के बीच की बात है ये। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम तो पता ही आपको। इसके बाद बात करें भारतीयों के साथ भेदभाव, इस पॉइंट में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे कि भारतीयों के साथ भेदभाव, मतलब इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया, अलग अलग धर्मों में डिवाइड किया, और डिवाइड एंड रूल की जो नीति है वो अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनाई। जैसे कि हिंदुओं को और मुस्लिम को ये बहुत अलग तरीके से देखते थे और इनको आपस में लड़ाई करवाना चाहते थे। हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते थे अंग्रेज, और इसके अलावा मुस्लिम धर्म के बारे में भी बात करते थे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये सोचते थे कि आपस में ही लड़ते रहे और हम अपना काम करते रहे। लेकिन विद्रोह के टाइम में ये सब चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, और ये लोग आपस में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो चाहे कोई भी समुदाय हो, सबने मिलकर उनका सामना किया। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकली या फिर कह सकते हैं कि इनको कुछ एक पोस्ट थी भारतीयों को जो दी जाती थी। ठीक है, भारतीयों के लिए जो नौकरियां थी उनमें पोस्ट इन्होंने बहुत लिमिटेड कर दी थी, या फिर कह सकते हैं सीमित कर दी थी, और कहने के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं, उनको अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी। भारतीयों के लिए उच्च पद नहीं थे, ठीक है, हाई पोस्ट नहीं थी, इनसे इनको हमेशा ही वंचित रखा जाता था। तो ये भी एक चीज थी जो रिस्पॉन्सिबल थी क्रांति के लिए। आर्थिक कारण अगर हम देखें, 1857 का जो रिवोल्ट है इसमें सबसे पहला कारण आता है करों में बढ़ोतरी। करों में बढ़ोतरी का क्या मतलब है भाई, कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, तो जब ये अंग्रेज आए, इनके पास रूल आने लगा, तो इन्होंने नए नए क्या करे, राजस्व, नई राजस्व प्रणाली चलाई, यानी टैक्स भरने के तरीके बदल दिए और वो पूरे तरीके से बढ़ा दिए गए टैक्सेस। तो जनता काफी परेशान हो चुकी थी। उद्योग पर बुरा प्रभाव, आपको पता ही है जैसे ही यूरोपियंस इंडिया में आए तब
यूरोपियंस के आने से पहले जो भारत है उसका व्यापार काफी ठीक चल रहा था, चाहे वो कपड़ा व्यापार की बात हो, है ना, तो ये बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इनके आने के बाद क्या हुआ कि इंडिया में कपड़ा वपड़ा तो बनने की छोड़ो, यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको ही उठाकर कहाँ इंग्लैंड ले जाया करते थे और वहां से सामान ला करके हमारे ही मार्केट में बेचा करते थे। तो इंडिया का यूज सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए होने लगा और यहाँ का जो कपड़ा था उसका जो जो यहाँ के अपने लोग थे, अपनी कंपनी थी, छोटे छोटे कारीगर थे, उनका काम जो बिल्कुल ठप हो गया था। तो यूरोपियंस जो थे, यानी अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो ये क्या क्या करते थे, ये लोग यहाँ से कच्चा सामान ले जाया करते थे, कपास ले जाया करते थे, अच्छी क्वालिटी का कपास हुआ करता था हमारे कंट्री में, उस वक्त की बात हो रही है ये। तो ये क्या करते थे, यहाँ से कपास ले गए और उस कपास से वहाँ धागा वागा बना के अच्छे खासे कपड़े बना के और यहीं लाकर कम रेट में बेच दिया करते थे। इसी वजह से जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो भी डेवलप हुए। तो क्योंकि उद्योगों पर भी उस वक्त, ये 1857 की बात हो रही है, उस वक्त बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला था। धन का बहिर्गमन, या कह सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ, सामान जो है वो यहां से नहीं खरीदा जा रहा है, हमारा जो सारा पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो दादा भाई नरोजी, इसके अलावा गोविंद रनाडे, तो दादा भाई नरोजी की एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि दादा भाई नरोजी की बुक का नाम क्या है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले इन्होंने आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की और धन निष्कासन को भी बहुत बड़ी एक बुराई बताया, यानी एविल ऑफ एविल्स, बहुत बड़ी से बड़ी बुराई इसको बताया कि धन जो है हमारी अपनी कंट्री में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम धार्मिक कारणों की बात करें, तो धार्मिक कारण में तो काफी इंपॉर्टेंट, मेनली अगर बोले तो धार्मिक कारण ही था एक तरीके से कह सकते हैं। तो सोशल और रिलीजियस कॉजेस में अगर हम बात करें, तो भारत में मुस्लिम लोग आ गए थे सबसे पहले, तो ईसाइयों का आना, ठीक है, ईसाई मिशनरीज आ रही थी, तो इनके आने से क्या हुआ, धर्म परिवर्तन का काफी चीजें बढ़ गई थी, ये हिंदू से मुस्लिम लोगों को बनाने लगे थे। इसके अलावा काफी सारे लोभ लालच दिया जाता था कि अगर आप चेंज करोगे अपना धर्म तो ये फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, इंग्लिश पढ़ने की बात हुई, ठीक है, तो लोग काफी भड़क गए इन सब चीजों से। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव उन्होंने दिखाना शुरू करा, एक दूसरे के अगेंस्ट उनको कर दिया करते थे, जब देखो तो ये उनके लिए कट्टरपंथी कह सकते हैं डायलॉग्स बोला करते थे, या फिर कुछ ना कुछ गलत बात उनके लिए कहा ही करते थे। मुस्लिम्स को बेईमान बोला करते थे, हिंदुओं को बर्बर बोला करते थे, बर्बर का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, यानी जिनको बिल्कुल भी सभ्य जो नहीं होते। इसके अलावा रंगभेद की नीति भी उन्होंने चालू रखी है, इंडियंस को क्या बोला करते थे, काले लोग बोला करते थे, ठीक है, तो ये सब चीज भी थी, बहुत नीचा फील कराते थे भारतीयों को। इसके अलावा बोलते थे कि इनका समाज जो है असभ्य है, अविश्वासी है, अंधविश्वासी है, और हमारा जो समाज है वेस्टर्न वो बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड है, बहुत ज्यादा विकसित है। तो अंग्रेजों की सामाजिक सुधारवादी जो नीति थी, जैसे कि इन्होंने कुछ रूल्स पास किए जिनके थ्रू काफी सारी चीजें बदल गई। इनमें हम बात करेंगे 1829 में पास किया गया सती प्रथा, यानी सती प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, ये जो बुराई थी समाज में इसको एकदम खत्म इन्होंने कर दिया। इसके अलावा 1795 में इन्होंने कन्या यानी कन्या वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा 1856 की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने विधवा विवाह के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया और इसको क्या कर दिया, विधवा जो होती थी छोटी छोटी बच्चियां भी होती थी, तो इनका क्या होता था, इनको पूरी उम्र बिल्कुल अलग तरीके से रहना पड़ता था, तो विधवा विवाह कराने की इन्होंने अपील की। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम भी है, ठीक है, उन्होंने भी काफी इनके लिए काम किया था। नेक्स्ट हम बात करें, ये सारे अधिनियम बनाए गए, रूल बनाए गए, फिर वो जब पास हो गए तो उसके बाद इनको फिर एक कानून बना दिया गया। 1843 की अगर बात करें, तो दास प्रथा खत्म कर दी, बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी, और 1833 में नर बलि इन्होंने खत्म कर दी, यानी व्यक्तियों की जो बलि दी जाती थी ये वाली प्रथा भी उन्होंने खत्म कर दी। तो ये सब चीजें होने की वजह से क्या हुआ कि लोग बहुत नाराज हो गए कि हमारे जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है उनको किसी ने तोड़ दिया है, अंग्रेज जो हैं ये सही चीज नहीं कर रहे, तो एक तरीके से मान्यताओं को नुकसान पहुंचा लोगों की, तो वो बहुत ज्यादा भड़क गए कुछ लोग, ठीक है। तात्कालीन कारण, अगर उसी वक्त रिसेंट रीजंस की बात करें, तो क्या था जिसकी वजह से, जैसे आप देख रहे हैं ना काफी सारी चीजें हो रही हैं, हमें सिर्फ एक रीजन चाहिए, एक रीजन चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को अगर बोला जाए वो बहुत देर से दुखी है, बहुत देर से परेशान है, और
उसको एक बार आप उसको मार दो तो बहुत तेज तेज रोने लगता है, तो वो जो उस वक्त मारा है वो उस वजह से नहीं रो रहा है, वो बहुत देर से परेशान है इस वजह से रो रहा है, ठीक है। या फिर एक इंसान जो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, काफी टाइम से फ्रस्ट्रेटेड है, और एकदम से उसके साथ कुछ और बुरा हो जाता है अचानक से, तो वो उस अचानक बुरे हुए की वजह से इतना परेशान नहीं होता, उसको सारी पिछली बातें याद आ जाती हैं। तो यही था तात्कालीन कारण, या फिर कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम, जिसकी वजह से जो विद्रोह है वो बहुत तेज भड़का। एनफील्ड राइफल का प्रयोग, पहले जो था, पहले लकड़ी का वो यूज होता था, वुडन गन यूज होती थी, जिसे कह सकते हैं ब्राउन बेस कह सकते हैं, वो यूज होता था। लेकिन 1857 में क्या शुरू हुआ, एक एनफील्ड राइफल्स, ये नाम है आयरन, ठीक है, गन, और इसका यूज होने लगा, अब इसका प्रयोग सैनिक करने लगे। सबसे पहली घटना हुई ये 29 मार्च 1857 में, जब पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या कर दिया, मना। अच्छा, वो कहाँ से थे, 24वीं नेटिव, उनकी जो बटालियन थी उसका नाम क्या था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, और मंगल पांडे वहां पे थे, और उन्होंने मना कर दिया यूज करने के लिए, वो जो कारतूस थे उनको यूज करने के लिए मना कर दिया, कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो दोनों ही वर्गों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही धर्म के खिलाफ था, तो मना कर दिया यूज करने के लिए। अब मना तो कर दिया, साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। कई बार तो दूसरा नाम सामने आता है लेकिन लेफ्टिनेंट बाग के बारे में बोला जाता है, उनकी हत्या कर दी, और क्योंकि उनकी हत्या कर दी तो उनको पकड़ के मंगल पांडे को फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो वो कौन सा टाइम था, वो कौन सी डेट थी जब उनको फांसी दी गई, तो वो थी 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1800, सॉरी 8 अप्रैल था शायद, हाँ 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1857, ठीक है। ये जो 24 अप्रैल वाली थी ना, ये तो यहाँ की थी, मेरठ की। तो 8 अप्रैल को ये मंगल पांडे वाली बात हुई, इनको जब फांसी दी गई, तो ये जो घटना है, ये जो चीजें हैं, ये पूरे देश में फैल गई, और धीरे धीरे ये बात जो जब मेरठ पहुंची 24 तारीख तक, तो यहाँ पे लोगों ने, यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसके अलावा समुद्र पार करने के लिए मना कर दिया लोगों ने, कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जबकि वहां पे भेजा जाता था सैनिकों को, है ना। तो काफी सारे रीजंस थे। मेरठ में घटना हुई 24 अप्रैल को, जब बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, लगभग 99 के आसपास, उन्होंने मना कर दिया ये यूज करने के लिए, तो इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और फिर जेल में उनको डाल दिया गया। इसके बाद घटना क्या हुई कि इनका प्रोटेस्ट करने के लिए और लोग इकट्ठे हुए, ठीक है, कदम सिंह इनके क्या बने, लीडर बने, और इन्होंने उस जगह पर हमला बोल दिया जहां पर इनको अरेस्ट करके रखा गया था, और वहां से उनको छुड़ा लिया। तो ये काफी विद्रोह जो है वो बड़े लेवल पर भड़क गया, और ये लोग डायरेक्ट फिर कहां पहुंचे, 11 मई 1857 में ये पहुंचे लाल किला, और बहादुर शाह के पास जाकर, बहादुर शाह इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे फिलहाल, ये कह रहे थे कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं, मैं क्या करूंगा। लेकिन जब जबरदस्ती महल में घुस आए, और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, बहुत लोगों ने गुस्से में भी बोला, तब जाके इन्होंने हाँ किया, और 1857 का जो विद्रोह है उसका नेता एक तरीके से बहादुर शाह को ही कहा गया। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी जगह पर क्या इम्पोर्टेंट है, केंद्र और वहां के नेता। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर और बख्त खां की, तो इनका जो विद्रोह था ये दिल्ली में था, ठीक है, और इस विद्रोह को दबाया किसने, लेफ्टिनेंट निकोलस ने। लेफ्टिनेंट हडसन ने, ठीक है, लेफ्टिनेंट हडसन ने इस विद्रोह को दबाया। नाना साहब तांत्या टोपे, इनका जो था रोल, ये कहाँ था, कानपुर में, ठीक है, इनके विद्रोह की जगह थी कानपुर। और कैंपवेल जो थे, इन्होंने विद्रोह को दबाने में हेल्प की, यानी इन्होंने विद्रोह खत्म कर दिया इस एरिया से। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी, मतलब इन्होंने लखनऊ की कमांड संभाली, ठीक है। और कोलिन कैंपवेल जो थे, इन्होंने विद्रोह को खत्म किया। रानी लक्ष्मीबाई को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, झांसी की रानी थी, तो इन्होंने झांसी से, और कैप्टन ह्यूज, ठीक है,
हीरोज कह सकते हैं। इन्होंने विद्रोह दबाया, रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी इनके साथ। कुंवर सिंह की अगर बात करें तो ये कहां पर थे, जो यहां पर लिख देती हूँ, जगदीशपुर, ठीक है। इनका भी विद्रोह किसने दबाया, कैंपवेल ने, ठीक है, कैंपवेल ने। लियाकत अली की अगर बात करें तो ये कहां थे, अलाहाबाद में, आज के टाइम का प्रयागराज। और इस विद्रोह को किसने दबाने में हेल्प करी, कॉलोनल नील या नील, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास खान बहादुर खान, इन्होंने स्टार्ट किया बरेली में, और किसने दबाया इसको, विंसेंट आयर। अच्छा एक बात और है, कुछ ऐसे भारत के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करनी ज्यादा अच्छी समझी, ठीक है। बेचारे जो बहादुर शाह थे इनको कहां भेजा गया था, इनको हुमायूं टॉम्ब से कैद किया गया, और फिर कहां भेज दिया गया, रंगून, बर्मा में जो है, ठीक है। कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक दो नाम और हैं, इनको भी देख लीजिए। अजीमुल्ला, ये कहां थे, फतेहपुर में। फतेहपुर में, और जो विद्रोह है वो किसने दबाया, जनरल रेनर्ड, जनरल रेनर्ड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, लिख पा रहे होंगे इसको ढंग से, मैं बोल तो रही हूँ, एक बार फिर से बता दूंगी, राइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना। लास्ट है हमारे पास अहमद खान, तो लास्ट हमारे पास मौलवी अहमदुल्ला, इनका जो था, इनकी जगह थी फैजाबाद, क्या थी, फैजाबाद, और वो नोन नहीं है कि इन्होंने किया था ये। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, बहादुर शाह जफर बख्त खान, दिल्ली में इन्होंने विद्रोह किया, और लेफ्टिनेंट हडसन जो है इन्होंने इनको कंट्रोल किया। नाना साहब तांत्या टोपे कानपुर में, कैंपवेल ने इनको इनका दमन किया। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और इन्होंने कैंपवेल ने दमन किया इनका। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ह्यूरोज ने, कुंवर सिंह की बात करें जगदीशपुर कैंपबेल ने, लियाकत अली इलाहाबाद से, और कॉलोनेल थे नेल, ठीक है, ये थे खान बहादुर खान बरेली से, विंसेंट अय्यर ने। इसके अलावा अजीमुल्ला की बात करें तो फतेहपुर में, और रेनर्ड जो थे इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, और ये नॉन नहीं कि इन्होंने दमन किया इस बारे में, ठीक है। तो काफी सारी चीजें निकल के आती हैं सामने कि विद्रोह जो हुआ इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। अब हम बात करें तांते टोपे की, तो इनको फांसी दे दी गई 18 अप्रैल में 1859 में, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि 1806 में जो हुआ था तमिलनाडु के वेल्लोर में, वो भी घटना कुछ ऐसी थी, उनको पगड़ी पहनने से मना कर दिया था, और बोला गया था हैट पहनो लेदर वाली, तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर काफी ज्यादा चीजें वहां पर भी खराब हो गई थी। असफल क्यों रहा ये जो रिवोल्ट है, ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये असफल रहा? तो सबसे पहला रीजन अगर देखें तो संगठन का अभाव, यानी यूनिटी की कमी थी, या फिर कह सकते हैं कि प्लानिंग की कमी थी। एक तरीके से देखा जाए तो हर जगह प्लानिंग की कमी नहीं थी, क्योंकि जो बटालियंस थे उनमें जो मैसेजेस थे वो बहुत अच्छे तरीके से पास हो रहे थे, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करें तो संगठन का अभाव था। जो सैनिक मेरठ से चले थे दिल्ली के लिए, वो चले ही जा रहे हैं बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा,
ठीक है, तो वहां जाके जबरदस्ती बहादुर शाह को मनाया गया है, वो नहीं मानते तो, या फिर कुछ और बात हो जाती तो यहाँ पर कुछ प्लानिंग का अभाव रहा, यूनिटी नहीं थी। वफादारी, वफादारी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे देसी राजा थे जिन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ बिल्कुल भी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। वो एक तरीके से अंग्रेजों के क्या थे, अंग्रेजों के जानने वाले, या फिर कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल में थे, उनके सामंत टाइप थे। जैसे कि बात करें तो पटियाला, पटियाला के जो राजा थे, इसके अलावा जींद के जो राजा थे, ग्वालियर के जो राजा थे, वो बिल्कुल भी साथ में नहीं आए इंडियंस के। इसके अलावा निजाम जो थे वो भी अंग्रेजों के साथ ही बने रहे। ठीक है, ग्वालियर के राजा कौन थे, जो हमने सिंधिया बात की थी ना अभी लास्ट, तो ये सब चीजें हैं। राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका भी अभाव था लोगों में, लोग हिंदू मुस्लिम वाली बातों में कभी तो आ जाते थे और कभी कभी इस चीज को मना कर देते। तो नेशनल, एक तरीके से कह सकते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो था तो लोगों में, लेकिन एक लेवल तक नहीं पहुंच सका जो कि एक बड़े उसका रूप ले सके। और यूनिटी का अभाव था, और ये सब कहने की बात थी कि हिंदू मुस्लिम में बहुत जगह पे झगड़े भी थे, काफी सारी चीजें भी थी, तो राष्ट्रवाद की भावना का भी लोगों में अभाव था। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं करप्ट हो गए थे। ठीक है, कुशल नेतृत्व की कमी, कुशल नेतृत्व की कमी का मतलब है कि स्किल्स नहीं थी, कोई ऐसे राजा नहीं थे जो, और सबसे बड़ी बात तो प्लानिंग की है। मुझे लगता है कुशल नेतृत्व हो जाता अगर राजा जो हैं पहले से कोई अच्छी खासी प्लानिंग करते। सब लोगों को एकजुट होना था पहले, काफी टाइम पहले से इसकी प्लानिंग करनी थी, तब जाकर इसको करना था, तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाता। इसकी वजह से इन्होंने अंग्रेजों को और भी ज्यादा क्या कर दिया, और भी ज्यादा सोचने पे मजबूर किया। ठीक है, इसके परिणामों में हम कुछ देखेंगे, तो इसके रिजल्ट में हम देखेंगे कि विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन इस अंत में इतनी सी बात नहीं थी, इसकी वजह से काफी सारी चीजें और बदली। जैसे कि भारत का जो शासन है, या फिर कह सकते हैं कि सारा कंट्रोल है, वो अब क्राउन के पास चला गया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे इस तरीके से काम नहीं करती थी, ब्रिटिश जो क्राउन है उसने अपने नियम लागू किए। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या बनाया गया, वाइस रॉय बना दिया गया, यानी गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वाइस रॉय का पद ले आया गया। भारत सचिव के साथ 15 मेंबर्स की भारतीय परिषद की स्थापना की गई। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह है उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में कौन ज्यादा अनुपात में बढ़ा दिए गए, यूरोपीय है, क्योंकि उनको लगा कि करप्शन हो सकता, मतलब करप्शन तो नहीं कि ये लोग वफादार नहीं रहेंगे आगे, क्योंकि विद्रोह हो चुका है, तो हम क्या करते हैं अपनी आर्मी में हम अपने सैनिक जो हैं हम भारतीयों को कम और यूरोपियंस को ही ज्यादा रखेंगे, अपने लोगों को ही ज्यादा रखेंगे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। अब लोगों को थोड़ी शांति भी तो चाहिए, जिस वजह से विद्रोह हुआ है, क्योंकि ऐसा विद्रोह दोबारा ना भड़के इसलिए जो पुरानी बात थी, एक रीति रिवाज वाली बात थी, राजाओं का गोद लेने वाला सिस्टम, वो इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। नहीं तो ये जो विद्रोह है ये कहीं ना कहीं फिर से शुरू होने की, इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी विद्रोह दबाए और फिर से शुरू हो जाए, तो यही वाली बात देखने को मिली थी। अगर हम आगे बात करें तो भारत और अंग्रेजों पर प्रभाव, यानी ये जो विद्रोह चल रहा था ये भारत में तो हम काफी चीजें देख ही रहे थे, इसका बाहर दूसरे देश में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां के लोग क्या सोच रहे थे इस बारे में, ठीक है ये देखते हैं। तो ब्रिटेन में यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा कैसा दिखाया जा रहा था, असहाय दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे जो है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। कई सारी पेंटिंग्स भी बनी जहां पर क्या बताया गया कि जो महिलाएं हैं उनके साथ गलत चीज हो रही है, उनको कैद कर लिया गया है। ठीक है, असहाय दिखाया गया कुछ पेंटिंग्स में, कुछ पेंटिंग्स में उनको बहुत बहादुर दिखाया गया है कि जो लेडीज हैं ब्रिटिश वो क्या कर रही हैं, वो तलवार लिए खड़ी हुई हैं और लोगों से लड़ रही हैं, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनको उन्होंने मार गिराया है इस तरह। ठीक है, ऐसे ही एक पेंटिंग है जोजेफ जोजेफ नेल पेटन की, ठीक है ऐसे याद रख लो, JNP करके, जोजेफ नेल पेटन, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने काफी एक
ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है जिसको देख के किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, और जो बाहर के लोग हैं, जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं, उनको गुस्सा आ जाएगा देख के कि अरे ये क्या हालत बनाई हुई है हमारे लोगों की। तो ये सब सिचुएशन थी, और औरतों को काफी कहीं पर स्ट्रोंग और कहीं को बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाया गया है, और प्रतिशोध की भावना को एक तरीके से जागृत किया गया है। राष्ट्रवादी कल्पना की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रिटेन में इस चीज को लेके गुस्सा था लोगों में अब, कि भारत में हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। सेम सिचुएशन इंडिया में थी, इंडिया में भी बात की जो पत्रिकाएं वगैरह हैं उनमें काफी मजाक उड़ाया गया, जैसे कि फिरंगी कहा जाता था किनको, अंग्रेजों को। फिरंगी का मतलब क्या होता है, उनको फारसी का एक शब्द है फिरंगी, जिसमें उन लोगों को मजाक के तौर पे उनको बोला जाता है, फिरंगी है यानी मजाक उड़ाने के वे में उनको फिरंगी बोला जाता था। एक नाम सुना होगा आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की एक लाइन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है झांसी की रानी वाली, ये किसने लिखी है, तो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो काफी सारे लोगों ने इन लोगों को एज अ हीरो देखा, एक हीरो की तरह इनको देखा, और आने वाले टाइम में क्या किया, इनको ही फॉलो करने की कोशिश की। और इनके बाद तो काफी फिर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए ही थे। तो 1857 का जो विद्रोह है, ये सिर्फ विद्रोह मात्र नहीं, ये एक तरीके से प्रेरणा थी बाद के आने वाले लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े लेवल पे बाद में आंदोलन किए, उनके लिए एक तरीके से प्रेरणा के सूचक थे। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। काफी सारी चीजें मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दी हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन मिल जाए आपको अगली वीडियो आने पर, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। एंड लास्ट सुनते जाइए एमसीक्यूज, जैसे ही हिस्ट्री की क्लासेस फिनिश होंगी आपको मैं एमसीक्यूज का जो सेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप इजिली अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो बने